कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में अध्ययनरत इन बालिकाओं के चेहरों पर आज जीवन में कुछ कर दिखाने का उत्साह नजर आ रहा है। केजीबीवी की इन छात्राओं के इस उत्साह के पीछे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कौशल शिक्षा को नए तरीके से पढ़ाने और समझाने के लिए किए जा रहे नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। नई शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से एक्सेस यानी सभी बालिकाओं की शिक्षा तक पहुंच, इक्विटी यानी शिक्षा में समान हिस्सेदारी, क्वालिटी यानी गुणवत्ता परक शिक्षा और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही को केंद्र में रखते हुए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम के माध्यम से बालिकाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाया जा रहा है। अब विज्ञान विषय इन छात्राओं के लिए कठिन नहीं रहा। आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ये छात्राएं बड़े ही रोचक तरीके से विज्ञान को पढ़ती और सीखती नजर आ रही हैं। विज्ञान विषय को समझने के लिए छात्राओं में जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है और छात्राओं में ये जिज्ञासा पैदा करने का श्रेय जाता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत IIT गांधीनगर गुजरात के सहयोग से चलाई जा रही क्यूरियोसिटी प्रोग्राम को। विज्ञान के प्रयोग करती ये छात्राएं सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को ऑनलाइन विधि से IIT के विशेषज्ञों से सीधे जुड़कर अपनी जिज्ञासाओं को रखती हैं तथा रोचक प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान सीखती और समझती हैं। इसी के साथ ही सरकार के संकल्प को साकार करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने खान अकादमी की उत्कृष्ट तकनीक पर आधारित संसाधनों का प्रयोग करके गणित जैसे विषय को अब और भी आसान और रोचक बना दिया है, जिसका परिणाम ये निकला कि प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं डिजिटल माध्यम से अब गणित के अभ्यास कार्यों को सरलता से करती नजर आ रही हैं। इसके लिए प्रत्येक कस्तूरबा गांधी विद्यालय में इंटरनेट और 10-10 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी तरह इन बालिकाओं के लिए अभी तक अंग्रेजी एक मुश्किल विषय था, लेकिन छात्राओं को आसानी से अंग्रेजी सिखाने के लिए अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करते हुए दीक्षा ऐप द्वारा अंग्रेजी शिक्षण को रोचक बनाने पर विशेष कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप शिक्षिकाएं आसान और नए तरीकों से अंग्रेजी पढ़ाने का प्रशिक्षण लेने के बाद अब आसानी से छात्राओं को अंग्रेजी सिखाती नजर आ रही हैं। सरकार का ये प्रयास है कि बालिकाएं गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में निपुण होने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने के लिए 21वीं सदी के कौशल हासिल कर सकें। इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर एक तरफ नीति आयोग के सहयोग से कोडिंग का प्रशिक्षण देते हुए स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कौशल विकास मिशन के सहयोग से कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, अपेरल, रिटेलिंग और उद्यमशीलता जैसे क्षेत्रों में इन्हें दक्ष बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से निकलने के बाद ये बालिकाएं एक बेहतर और सुखद भविष्य बना सकें और 21वीं सदी की इस डिजिटल दुनिया में आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकें और ऊंची उड़ान भर सकें। बालिकाओं को शिक्षित करके स्वावलंबी बनाने के साथ ही जागरूक और सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न मुद्दों जैसे आत्मरक्षा, स्वजागरूकता, बाल अधिकार, सेफ टच, अनसेफ टच, हेल्पलाइन नंबर, आपदा प्रबंधन, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, जलवायु परिवर्तन, माहवारी प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता, कानूनी जागरूकता आदि पर चर्चा, परिचर्चा, बाल सभा, डिबेट, नुक्कड़ नाटक जैसे कार्यक्रमों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। छात्राओं के जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए इन्हें जीवन कौशल शिक्षा से जोड़कर अपनी बात को मुखरता से रखने के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आज ये बालिकाएं पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां कथन को साकार करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी समान भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। आज इन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से निकली छात्राएं इंजीनियरिंग, मेडिकल, स्पोर्ट्स, सैन्य बल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहराती नजर आ रही हैं। बालिकाओं के लिए 12वीं तक की शिक्षा को पूरा करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को शैक्षिक और आवासीय सुविधाएं जैसे छात्रावास, भोजन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, यूनिफॉर्म, बैग, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, खेलकूद सामग्री के साथ ही छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान तो की ही जा रही है, साथ ही विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जा रहा शिक्षा का यह महत्वपूर्ण अभियान निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली 75,000 छात्राओं को निपुण बनाते हुए इनकी 100% शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के संकल्प को
साकार कर रहा है। समग्र शिक्षा का ये महत्वपूर्ण अभियान